मैथिली सरन गुप्त। अरे क्या बात है मैथिली, क्या हाल चाल है? अरे अरे बस बस जो है मैं यहाँ के साम्राज्य में आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमारे एक बैचमेट की लड़के की शादी थी भलाई में, अच्छा तो अच्छा अभी अच्छा बस मैं रायपुर के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा 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 एंड मेरे पास ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं एंड फुल सपोर्ट सिस्टम कि हमारे जो निकलने वाले बडिंग इंजीनियर हैं दे कैन क्रिएट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एंड उनको एंड टू एंड सपोर्ट रहेगा, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल कहां से आना है और फिनिश प्रोडक्ट कहां जाना है ये भी उनको नहीं देखना है। उनको ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि उनका कंपनी में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा क्या होगा, वो हमारे क्राइम फ्री भारत का बैकएंड इंजन सब काम करेगा, इंक्लूडिंग अरेंजिंग द फाइनेंसेस आल्सो। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो है एंड ये बेसिकली हमने इस मॉडल का नाम दिया है स्केर्सिटी टू अबंडेंस। हमने कहा है कि बिना सरकार के की मदद के हम इस भारत को समृद्ध बनाएंगे। अच्छा एंड हमारा कहना है कि विद इन 2 to 3 ईयर्स हम अपने किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा देंगे और बाकी सब स्ट्रेटा की आमदनी भी लगभग 4-5 गुना बढ़ेगी। एंड सिस्टम से इनिफिशियंसी गायब हो जाएगी और सिस्टम से एक्सप्लॉयटेशन भी गायब हो जाएगा। तो जो अभी सरकारी तंत्र एक्सप्लॉयटेशन करता है वो करना उसकी औकात के बाहर हो जाएगा। मतलब इट इज ए वन इन ऑल सॉल्यूशन। मतलब आपको कहाँ रिसर्च करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना? क्या करना है, राइट? जैसे मान लो वी आर कमिंग आउट विद ए थिंग्स कि वी विल बी डिजाइनिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट एंड थिंग्स विच विल बी हैविंग द लाइफ टाइम वारंटी। तो आज जो है वो आदमी जानबूझ के जो है ना उसके पार्ट्स वार्ट्स महंगे करके आपका मेंटेनेंस इट इज मेकिंग डिफिकल्ट। अब जैसे अज्यूम करिए कि कोई वियरिंग है या कोई कंज्यूमेबल है, राइट? अब उसको उसकी स्ट्रेंथ जो है हम उस पार्ट से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? स्ट्रेंथ जो दैट जो कंज्यूमेबल पार्ट में सिट इन ए थिन लाइनिंग, राइट? और उसकी जो हाउसिंग है दैट विल बी स्ट्रांग एंड विल प्रोवाइड यू द स्ट्रेंथ, राइट? और जैसे जो वियर एंड टियर होता है तो जो छोटी थिन लाइनिंग वाला वो प्लेस है वो हटा दिया जाएगा एंड उसकी जगह दूसरी चीज पुश कर दी जाएगी। और इसको गला के इट विल गो एंड वी विल रिक्रिएट और उसमें बल्कि और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ले ला सकते हैं, क्रोमियम डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। सो बेसिकली योर ऑल इंजीनियरिंग विल बी इन्वॉल्व इन दैट। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका यहाँ पे एक महासम्मेलन संबोधित करूं। अच्छा, मतलब जिसमें कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट सभी टीचर सभी लोग रहे एंड उसका डायलॉग ये रहेगा हाउ टू मेक अवर कंट्री ए प्रॉस्परस कंट्री। अच्छा, दैट टू विदाउट गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग एंड टू एंड विल बी प्रोवाइडेड बाय मैथिली सरन गुप्त। अच्छा, तो मतलब जो है कहते हैं जो अपने कहावत कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी सभी समस्याओं को अटेंड करते हुए आपको कहीं पे भी जो है उन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। तो मतलब तुम्हारा ये क्या है, मतलब कोई तुमने शुरू किया है कुछ बिजनेस क्या की है? नहीं नहीं, बिजनेस शुरू नहीं किया है। इट इज एनजीओ एंड इट इज ए नेशनल पुलिस मिशन आल्सो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है एंड आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट मिशन। अच्छा अच्छा, है ना? ये मतलब वो मैंने ही कंसीव किया था, उसका नाम था क्राइम फ्री भारत ऑटोमेटेड। हाँ, ये तो मैंने तुम्हारा कुछ वीडियो देखे हैं, मैंने देखे हैं। तो उसमें जो है अब जब उसकी जो लास्ट चीज थी वो रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स था। तो जब हम रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स की बात सोच रहे थे तो देन वी थॉट कि हमें एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो क्रिमिनल है उसे क्रिमिनल हमने बनाया है, सिस्टम ने बनाया है। और बेसिकली जो संविधान हम लेके आए हैं, जो हमने ट्रांसफर ऑफ पावर लिया है और जो मशीनरी गवर्नमेंट की है, इट इज ए सेम एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल जो ब्रिटिश एम्पायर को सर्व करने के लिए बनाई गई थी।
ये दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल उनको भी वो बहुत रास आ रहा है। एड्रेस करना चाह रहे हो तो कब, मतलब कैसे क्या प्लान है? आप बताइए हमें जो है ना, मेरा नेक्स्ट कमिटमेंट 4 बजे का है, तो 4 बजे के पहले कभी भी जो कन्वीनियंट होता है। नहीं लेकिन नहीं, अभी तो स्टूडेंट्स तो है नहीं हमारे फिजिकली कोविड की वजह से। एक काम करो ना, जो लोग टीचर्स वगैरह हैं उनको एड्रेस कर देंगे और बाकी को जो है जो वीडियो ऑन उसमें होगा वो जो है ना थ्रो उस सिस्टम के तहत ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। और जो नहीं ज्वाइन कर पाएगा वो बाद में वीडियो देख लेगा। नहीं समझ गया वो, लेकिन अभी क्या है एग्जाम वगैरह चल रही है बच्चों की, वो टीचर्स भी उसमें बिजी हैं, मतलब एकदम ऐसा सडनली आज कैच नहीं हो पाएगा। फिर हमारा कन्वोकेशन भी है, बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। नहीं नहीं अपन तो ये कह रहे हैं कि इसमें उनको तो कुछ करना नहीं है, राइट। एक घंटे का अपन सेशन रखेंगे, यदि स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट को अपन इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। स्टूडेंट को वी कैन से कि दे कैन ज्वाइन थ्रू द डिजिटल मीडिया, राइट। और अल्टीमेटली तो मैं ये चाह रहा था कि या तो फिर नेक्स्ट ट्रिप कभी आओगे तब रखो, अगर फिजिकली करना है तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से हमारे बच्चे भी आ जाएंगे। फिजिकली अब देखो ऐसा है, कहते हैं ना कि घर आए नागना पूजे बामी पूजन जाए, ठीक है ना। अब यहाँ है तो अपन चाहे वो नोशनल फॉर्म में कहें, लेट देर बी वन एड्रेस, यदि और कोई नहीं तो टीचर को ही एड्रेस कर देंगे, राइट। और उसको डिजिटली जो है हुसोएवर इज अवेलेबल मे ज्वाइन मे नॉट ज्वाइन, और वो उस वीडियो को बाद में भी देख सकता है। अपने लाभ की चीज होगी तो फिर तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उस वीडियो को चला के देयर कैन बी डिस्कशन इन द क्लास लेटर ऑन, राइट। एंड यदि उस डिलीवरेशन को यदि रिकॉर्ड करते हैं दैट कुड बी मेड अवेलेबल टू मी, सो दैट यदि कोई चीजें मेरे दिमाग में नहीं आई हैं और यंग और फर्टाइल व्यक्तियों के दिमाग में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है कि वो समस्याओं पे हमारा ध्यान ना गया हो, तो हम उस पर भी जो है वो कार्रवाई कर पाएंगे। क्या सोचते हैं आप? नहीं ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ कैसा क्या है, कौन हो पाएगा। मैं जो है कल शाम 6 बजे निकल रहा हूँ, ठीक है ना। और कल का मेरा अभी जो बिजीविल कमिटमेंट है 2 से 4 का है, जो कि अल्मोनाई वाला है, आपके अपने अल्मोनाई भवन में है वो, शायद उन्होंने आप लोगों को आपसे ऑलरेडी शायद रिक्वेस्ट किया है, ठीक है ना। नहीं मेरे पास को खबर नहीं, कल का है क्या वो? हाँ वो कल का है, कल आफ्टरनून का है। नहीं तो नहीं होगी खबर तो कर देंगे आपको, आपको अरे आपको आपको खबर ना दें कैसे संभव है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि कल तो आया था उनका सेक्रेटरी मेरे पास, तो वो तो एलुमनाई जो डे होना है उस बारे में बातचीत करके गए, वो उनका सेक्रेटरी तो आए थे। हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बोला था उसने। ओके ओके ओके, कल ही आया था वो तो। ओके 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 ओके, तो उस एलुमनाई डे वाले में यदि आप यू आर अवेलेबल ज्वाइन करिए, मैं रहूंगा तो मालूम नहीं। कल का जो है मुझे 2 से 4 का समय दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा, है ना। तो या तो वो आपसे बात करेंगे या कुछ ना कुछ जो भी होगा, वट एवर दे आर हैविंग, है ना। तो मेरा जो है बेसिकली आज का जो कमिटमेंट है वो है 4 से 6 का कमिटमेंट है, जहां पे हम ट्रांसपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है। क्योंकि हम उसके पहले वाला देख लेता हूँ ना, मैं कवर करता हूँ फिर तुमको जैसा भी होता है, ठीक है। डन डन डन, अभी थोड़ा सा हाँ नहीं आपको जैसा भी मतलब बनता है। देखो देखो जिस फॉर्मेट में हो जाए, मुझे लग रहा है कि चूंकि मैं अभी आया हूँ तो किस फॉर्मेट में इग्निशन हो जाए, ठीक है ना। फिर आप जब कहोगे तब रायपुर इतना दूर तो है नहीं कि भोपाल से ना आ जाए, तो है ना सही है ना। तो जब आप कहोगे तब आ जाएंगे, ठीक है, मैं खबर करता हूँ। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।